देखो, पेलोड तो ये पढ़ने जा रहे हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ पेलोड कैसे होती है, क्या इसमें करते हैं। देखो, जैसे कोई भी अगर बलून है, अगर हमारे पास क्या है, एक बलून, तो इस बलून की जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है, बलून जो है उसके अंदर क्या है, कोई गैस भरी हुई है, कोई लाइट गैस, हीलियम जो सर हाँ लाइक हीलियम हो सकती है और कोई लाइट गैस हो सकती है। अभी आपने क्या बताया? ये मैं बोल रहा हूँ, एक बलून है, इसमें थोड़ी बहुत गैस भरी हुई है। ओके, अब हमें देखना है कि पेलोड क्या डिफाइन करता है। तो ये इसके बाहर क्या होगी, एयर होगी, आसपास आसपास क्या होगी भाई, एयर होगी, हर जगह पूरे आसपास में हम लोग क्या देखते हैं, एयर एयर एयर, ये सारी चीजें होती हैं। अब देखो, जब ये बलून ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो ये बलून ऊपर तभी बढ़ेगा जब जो इसके ऊपर एमजी मास आ रहा है। ओके, तो एमजी जो है वो नीचे की तरफ मास लग रहा है, अभी जो लास्ट में ज्वाइन कर रहा है, जिसको पता नहीं चल रहा क्या पढ़ा रहे हैं, वो लोग देखेंगे। हम लोग गैसियस को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, ये न्यू टॉपिक है। जो देर में ज्वाइन कर रहा है वो समझ ले, आवाज नहीं आ रही है आपकी। और लेक्चर नंबर मुझे नहीं याद है। ओके, मेरे गैसी स्टेट के अभी आज से कर रहा हूँ, तो पहले की भी मेरे गैसी स्टेट के लेक्चर्स नहीं हुए, तो कोई समझ आएगा क्या? दक्ष, तुम्हारा गैसियस नहीं हुआ है क्या? नहीं सर, मैंने आपसे बात कर रही थी सर, मेरे फादर ने, कि मैं आज ही से ही कर रहा हूँ। हाँ वो तो सही, नहीं गैसियस तुमने नहीं पढ़ा था पहले क्या? नहीं सर, सर मेरे को, मैंने बात की थी कि मेरे को सब पहले से, मतलब पहले का नहीं हुआ मेरा कुछ भी। अच्छा, तो गैसियस तो इसमें काफी ज्यादा हो गया है। तो जून बैच में कवर अप चल रहा था, नहीं किया तुमने? बिनानी सर कवर अप करा रहे थे सर जून मैं बैच जून में। बैच में भी नहीं था एक्चुअली, मेरे को अप्रैल बैच में ऐड किया हुआ था, नहीं जबकि वो मैंने तो जून एंड में ज्वाइन किया था। वो ठीक है, सुनो मेरी बात। अभी क्या है, पुरानी बैचेस तो सारी एक साथ चल रही है ना, पिछले 1-2 महीने से। हाँ तो उसमें तो ग्रुप पे आया था गैसियस के कवर अप्स के लिए। पर अभी रिसेंटली मेरे वाले में नहीं आया था, मैं जिस बैच में हूँ जिसमें हिमांशु सर और वो सब पढ़ा रहे हैं। कौन सी वुड खार करेगा तुम्हारी, कौन सी है? सर इंटीग्रेटेड जी, उसमें रखे थे वैसे लेक्चर, गौरव बिनानी सर ने लेक्चर रखे थे एक्स्ट्रा, शाम को होते थे 7 बजे के आसपास, एक्स्ट्रा क्लास करके आया था वो। और इसमें जुलाई बैच में तो अगर बात की जाए गैसियस स्टेट की, तो ये हो गया है आई थिंक ये 5वां लेक्चर होगा। ओके, सर लेक्चर नंबर 5 के आसपास चल रहा होगा ये, इसके पहले 4 लेक्चर तो कम। सर मेरे को ये अभी चल रहा है जो समझ आएगा क्या? तो जिन बच्चों का बचा है, वैसे गैसीज के कवर अप के लिए कुछ बच्चे होंगे जो नए ज्वाइन किए हैं, तो उनके साथ में पढ़ना होगा फिर जब उनका कवर अप लगेगा। 2-4 ऐसे ही बच्चे होंगे। सर फिर अभी मैं करंटली क्या करूँ, मेरे को अभी फिर ये नहीं समझ आएगा। हुआ है तो सिंपल जो है, सर आपकी आवाज सर नहीं आ आपका रही, आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है, कट जो रहा है, और भी कुछ डिफ्यूजन डिफ्यूजन सुनाई नहीं चीजें दे हैं। रहा। सर आपकी आवाज एक वर्ड भी नहीं समझ आ रहा। अच्छा, ओके, काइनेटिक थ्योरी पढ़ा दी है क्या? अच्छा, मेरी आवाज क्लियर नहीं है क्या? एक्चुअली यहाँ पे कनेक्शन का प्रॉब्लम तो है। सर
सर ब्रेक हो रही थी। स्क्रीन विजिबल है क्या? सब स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ सर, स्क्रीन विजिबल है। यस सर। ओके। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, पेलोड जो है सर, एक सेकंड सर, सर अभी मैं लेक्चर अटेंड करूंगा क्या नहीं, मेरे को क्योंकि मेरे को मैंने पहले के नहीं किए तो नहीं समझ आएगा अभी क्या किया, तो मैं अभी मेरे को समझ आएगा। केटी जी सॉरी सर। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने अभी गैस स्टेट के पहले का एक भी लेक्चर नहीं किया, तो मेरे को ये लेक्चर समझ आएगा क्या? नहीं नहीं, तुम अभी इसको लीव कर सकते हो, कोई बात नहीं, तुम कवर अप में कर लेना। सर फिर अभी मैं करेंटली केमिस्ट्री के लिए क्या करूँ, मैं वही पूछना चाह रहा था। तो अभी रेगुलर पढ़ते रहो, अभी कौन सा लेक्चर चल रहा था तुम्हारे बैच में? सर एटॉमिक। एटॉमिक तो लगभग कंप्लीट हो गया, स्क्रोडिंजर तो हो गया ना तुम्हारे में? हाँ जी सर। उसके बाद का स्टार्ट करो, आगे जो लेक्चर आएगा उसको करो, उसमें समझ में आएगा सारा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें, है ना भाई? एटॉमिक तो चलो ठीक है, एटॉमिक तुमने पढ़ा है, थोड़ा बहुत छोड़ा होगा। अब इसके बाद जो पीरियोडिक या केमिकल बॉन्डिंग आएगा ना, वो बहुत आसानी के साथ समझ में आएगा, बहुत बेसिक चैप्टर है वो। लेकिन मैंने अब ये वाला बैच ज्वाइन कर लिया क्योंकि मेरे को फिजिक्स और मैथ्स में भी वही सेम प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने अब ये बैच ज्वाइन कर लिया, इसलिए मैं आपको पूछ रहा था। हाँ ठीक है, ये जैसे बैच अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम फिर तो तुम्हें क्लास अटेंड करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत जो भी समझ में आए वो तो करना होगा, क्योंकि अब तुमने पहले वाली क्लासेस नहीं करी हैं, ना इधर करी है ना पिछली बैच में, तो गैसियस के लिए तुम्हें कवर अप पढ़ना पड़ेगा, जब भी कवर अप लगेगा उसमें आना होगा, ऐसा है। अभी नहीं समझ में आएगा तो फिर कुछ इसका नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा पहले का नहीं थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम तो आएगा उसमें गैसियस, है ना? तो ये बात है। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन यही है, तो अगर यही बैच में रहना चाहते हो तो ऐसे ही पढ़ना होगा, या तुम केमिस्ट्री के लिए जो है टाइम, अगर तुम्हें स्लॉट्स खाली मिले तो तुम उधर कंटिन्यू कर सकते हो। ओके सर। तो चलो देखो, बायंसी फोर्स इसके ऊपर बात करते हैं। एमजी जो है वो फोर्स नीचे लग रहा है, और ये जो बलून है इसकी मास की बात करने जा रहे हैं। लेट द मास ऑफ material of balloon is capital M. मान लो balloon का जो खुद का mass है वो capital M है, और इसके अंदर जो gas भरी है इसका mass mg है, mass of gas inside balloon. तो mg ये लगेगा, और साथ में एक कैपिटल एमजी लगेगा जो कि बलून के मटेरियल का मास है, ये जो साइड में है ये वाला। तो ये दो फोर्स एमजी वाले नीचे लगेंगे, और जब ये बलून अगर हल्का है तो ये ऊपर उठेगा, तो ये बलून जो है पर्टिकुलर, जैसे हम लोग क्या देखते हैं, कोई भी पानी होता है उसमें किसी हम बॉल को जब डिप करते हैं तो बॉल पे क्या लगता है, ऊपर की तरफ अप थ्रस्ट फोर्स लगता है, जिसको क्या बोलते हैं, बायंसी फोर्स बोलते हैं। तो जो बायंसी फोर्स लगेगा या जो अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा वो अपर डायरेक्शन में लगता है, ऊपर की तरफ लगता है अपथ्रस्ट फोर्स, है ना? तो ये बलून एक हिसाब से ये एयर के एक पर्टिकुलर कंप्लीट एनवायरनमेंट, जैसे यहाँ पानी में हम बॉल को डालते हैं, ऐसे ये एयर में बलून पड़ा हुआ है, तो जो एयर है इस पे अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ। कितना लगाएगी? जो पर्टिकुलर जो एयर है जो यहाँ से डिस्प्लेस होगी, ये जब एयर है इसको डिस्प्लेस करके बलून जब ऊपर उठेगा तो कितना उसने एयर डिस्प्लेस किया है, यही उसका अपथ्रस्ट फोर्स होता है। जैसे यहाँ बलून था, अब ये बलून चूंकि हल्का है तो ये एयर को डिस्प्लेस करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसने कितनी एयर डिस्प्लेस की है वो कैसे आएगी, वो आएगा मास ऑफ एयर, मास ऑफ एयर निकालेंगे, तो बलून का वॉल्यूम इंटू एयर की डेंसिटी, तो इससे हम निकाल सकते हैं जो अपथ्रस्ट फोर्स है।
अब थ्रस्ट फोर्स कितना होगा, एम एयर, मास ऑफ एयर इंटू जी। तो हम देखेंगे, और यहाँ पे कुछ चीजें लिखने वाले हूं मैं, उसको ध्यान रखना। तो सबसे पहले लिखेंगे फोर्सेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एफ डाउनवर्ड। कितने कितने लग रहे हैं फोर्स, एक लग रहा है इसके अंदर mg, और एक लग रहा है स्मॉल m इंटू जी। एफ अपवर्ड कितना लग रहा है, ये लग रहा है मास ऑफ एयर इंटू जी। अब जो पेलोड होता है उसकी बात आ जाती है। एक्चुअल में क्या होता है, जो एयर है उसकी डेंसिटी लाइट जो गैस अंदर भरी है, हल्की गैस, लाइटर गैस, उससे ज्यादा होती है एयर की डेंसिटी। तो जो मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड होता है वो ज्यादा होता है, उसका अमाउंट ज्यादा होता है, तो ओवरऑल जो अपवर्ड फोर्स है वो ज्यादा होता है। अब चूंकि जो बलून है इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो बलून धीरे धीरे ऊपर बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इन दोनों फोर्सेस के बीच का एक पर्टिकुलर डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस के इक्वल में हम यहाँ पे मास एक्स्ट्रा पुट कर सकते हैं। ये जो हम एक्स्ट्रा मास पुट करके इसको ऊपर लिफ्ट करा सकते हैं, इसी मास को बोलते हैं पेलोड। तुमने देखे होंगे ना हॉट एयर बलून्स जो होते हैं, उनमें क्या होता है, लोग बैठ के भी ऊपर जा सकते हैं। तो उसमें यही है कि जो एयर डिस्प्लेस्ड है उसका मास जो बलून का खुद का मास है उससे ज्यादा होता है, इसलिए बलून ऊपर की तरफ उठता जाता है। ठीक है, तो पेलोड की बात अगर करी जाए तो हम क्या लिखेंगे, पेलोड इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वेट that can be lifted by a gas filled balloon। अच्छा, जो मैं लिख रहा हूँ कितने लोग को नहीं दिख रहा है, वो प्रॉब्लम है क्या उसमें? यस सर, मैक्सिमम तक ही दिख रहा है। अच्छा, अब दिख रहा है। अच्छा, तो आते जा रहा है। अच्छा, फिर मैक्सिमम तक ही आया अभी तक। नहीं, वो स्क्रीन की वजह से तो नहीं है कि पर्टिकुलर, कभी कभी किसी के लैपटॉप में दिखता है, किसी के वैसा कुछ है क्या? नहीं सर, बीच बीच में। नहीं सर, लैपटॉप में तो दिख रहा है अभी सब, वो बस फटाफट आ रहा है, आप लिखने के बाद आ रहा है थोड़ी देर बाद। अच्छा, फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है क्या? डिले हो रहा है। हाँ सर, डिले हो रहा है। अच्छा, डिले हो जा रहा है। हाँ सर, ओके, चलो देखते हैं। वैसे मेरे यहाँ पे आज कनेक्शन बहुत लूज था, फिर भी मैंने सोचा आप तुम लोग क्लास में हो तो कर देते हैं स्टार्ट, नहीं तो मैं आज तो कैंसिल करने वाला था ये क्लास, संडे को रखने वाला था। संडे फ्री रहते हो क्या सर? होमवर्क के वजह ऐसे फ्री रहते हैं। हाँ, मतलब क्लास क्लास ली जा सकती है ना संडे को, अगर एक्स्ट्रा क्लास लगानी। हाँ सर, ले सकते हो। ओके, TWT कब है? TWT कौन, फिजिक्स का है? हाँ सर, संडे को। संडे को तो मॉर्निंग में होता है ना? हाँ सर, ऐसे ही मतलब शायद मॉर्निंग में रहेगा। मॉर्निंग करा देंगे, आया नहीं कुछ। ओके, चलो ठीक है, अभी तो कंटिन्यू करते हैं। अगर दशहरा भी है क्या बोल रहा है हिमांश? ये मुझे नहीं आइडिया है उसका, पता नहीं मुझे किस दिन है, देखता हूँ। अच्छा, मैं 23rd, 4th। अच्छा देखो, ये सबने लिख लिया है, कुछ बचा है इसमें लिखने को? हाँ सर, हो गया लिख। ओके, अब देखना, तो डाउनवर्ड फोर्स भी लिख लिए, अपवर्ड फोर्स भी लिख लिए, तो हम अब बैलेंस करेंगे। नाउ बैलेंसिंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्सेस, ठीक है। एफ अपवर्ड इज इक्वल टू एफ डाउनवर्ड, ठीक है।
एफ अपवर्ड जो है वो ज्यादा था, एफ डाउनवर्ड थोड़ा कम था, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए क्या आ गया, पेलोड। पेलोड एक मास है इनटू जी, पेलोड जो है वो मास होता है, तो उसमें जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे जी से, है ना, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर्स में बदल जाएगी। पेलोड क्या है, पेलोड जो हम लोग लिखते हैं वो मास के टर्म्स में लिखते हैं, फोर्स के टर्म्स में नहीं लिखते हैं। मान लो ये जो मास है इसको एम डैश मान सकते हो, इतना एक्स्ट्रा इसके ऊपर रखा जा सकता है। तो एफ अपवर्ड जो है दैट इज बायंसी जो फोर्स है, ऊपर की तरफ जो फोर्स लगता है इसको बायंसी फोर्स, अप थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। तो एफ अपवर्ड जो है वो कितना आएगा, हमने निकाला हुआ था ऊपर, जो वही लिख देते हैं यहाँ पे, मास ऑफ एयर इंटू जी इज इक्वल टू एम जी प्लस स्मॉल एम जी प्लस पेलोड इंटू जी। जी से जी देखो पूरे में कैंसिल आउट होगा। एम एयर कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर इंटू डेंसिटी ऑफ एयर, और मास कैपिटल एम जो हमने माना है वो मटेरियल का मास है, तो वो तो वैल्यू दी रहेगी। मान लो हमारा बलून 10 किलो का है ऐसा, और अंदर जो गैस है उसका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस इंटू रो ऑफ गैस प्लस पेलोड। अच्छा वॉल्यूम ऑफ एयर हो या वॉल्यूम ऑफ बलून है वो तो कितना है, 4/3 πr³ ही है, क्योंकि जो हमारा बलून है उसकी रेडियस r है, तो इतनी ही गैस को वो क्या करेगा, ऑक्यूपाई कर पाएगा, 4/3 πr³। और जो एयर डिस्प्लेस होगी इसकी वजह से जब ये ऊपर उठेगा वो भी इतनी ही होगी, इस जगह से वो हट के ऊपर जाएगा, तो 4/3 πr³ इंटू रो एयर इज इक्वल टू, या इसको v लिख सकते हो अगर तुम्हें v लिखना है, और ये 4/3 πr³ यहाँ पे भी आएगा इंटू रो गैस प्लस पेलोड। तो यहां से पेलोड हम लोग इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं माइनस करके, ठीक है। तो इसको लिख लें जल्दी से, हमने लिख लिया। यस सर। ओके, तो ये तो पेलोड का हमारा कॉन्सेप्ट है। वेयर डिड द एम जी कम फ्रॉम, एम क्या है, जो मटेरियल का मास है ये एम जी, देखो जो हमारा बलून होगा ना वो किसी मटेरियल का बना होगा। मान लो ये जो बलून है हमारा ये रबर का है, मान लो 50 केजी रबर से बनाया है, तो ये 50 केजी रबर का मास भी तो नीचे काम करेगा, यही है एम जी, 50 kg इंटू जी, तो 50 N आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बलून के मटेरियल का मास है। आर्यन तुम्हें समझ में आ गई? यस सर। हाँ, तो ये एम जी एक्स्ट्रा है। कई बार वो कहेगा इफ the mass of material of balloon is given negligible, कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में negligible दिया होता है, then m is equal to 0 मान लेना है, और equation फिर reduce हो जाएगी, mg वाला term खत्म हो जाएगा। Thank you.
ये चीज है। हाँ ऊपर का भी लिखना है तो लिख सकते हो, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ पेलोड? अभी तो बताया प्रणव, जो हॉट एयर बलून्स होते हैं ना, देखा होगा हॉट एयर बलून्स, इस तरीके के बलून्स होते हैं और इस तरीके का बलून इसमें लगा होता है, ठीक है, इसको यहाँ कहीं से फंसा देते हैं ऐसे, और इसमें लोग बैठ जाते हैं। यहाँ पे कोई भी आदमी खड़ा हो सकता है और ऊपर उड़ सकता है, ये इसका एप्लीकेशन है। पेलोड, पेलोड ये है जो एक्स्ट्रा मास रख करके हम इसको उड़ा सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर जो है अब थ्रस्ट फोर्स ज्यादा है और नीचे जो मास है वो कम है, एफ डैश की वैल्यू कम है, सॉरी ज्यादा है, एफ की वैल्यू कम है, तो कितना एक्स्ट्रा मास रखें जिससे कि ये ऊपर की तरफ लिफ्ट कर जाए। तो मैक्सिमम जितना मास हम कैरी कर सकते हैं, पेलोड इज दी मैक्सिमम मास, पेलोड इज दी मैक्सिमम मास विच कैन बी लिफ्टेड यूजिंग अ बलून फिल्ड विद गैस। सर ये पेलोड का एप्लीकेशन रॉकेट्स में भी होता है ना? किसमें? स्पेसशिप में सर, मतलब थ्रस्ट लेने के लिए। हाँ स्पेसशिप में भी, कहीं पे भी लगा सकते हो, कितना आसान है। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में नहीं, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना उसमें और भी टेक्निक होती है, उसमें मोटर वगैरह लगा होता है, तो उसमें नहीं। हाँ उसमें लगा सकते हो, जो बर्ड्स वगैरह उड़ते हैं ना, तो उसमें हॉट एयर बलून वाला नहीं लगाएंगे, उसमें ये करेंगे वो जो हमारे पास बर्ड्स होते हैं ना उनके जो ये होते विंग्स, उससे वो एयर को डिस्प्लेस करते हैं, तो एयर डिस्प्लेस उनके मास से ज्यादा होती है इसलिए ऊपर उठते हैं। कहीं पे भी लगा सकते हो ये बायंसी फोर्स, बायंसी फोर्स की वजह से ही हम लोग जब तैरते हैं किसी जगह पे, जैसे मान लो ये स्विमिंग पूल है तो इसमें तुम डूबते नहीं हो, क्योंकि हम जो है पानी को पीछे हटाते जाते हैं और हमको अपथ्रस्ट फोर्स भी मिलता है, तो दो पर्टिकुलर चीजों की वजह से। हम खुद खड़े हो सकते हैं प्रणव, फॉर एक्स्ट्रा मास वी कैन ऑल्सो, यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा हो सकता है, कोई सामान रख सकते हो, कुछ इधर से उधर भेजना है मान लो, यहाँ से यहाँ भेजना है मान लो, ये बीच में मान लो सी है और इधर आना है तुमको, तो इसको आराम से पास कर जाओ। अच्छा एम जी, ये तो सॉरी सॉरी ये जी नहीं है, ये पूछ रहे थे इतनी देर से। ओके जी, तो वो एम ही है ना सर। हाँ समझ में आया। Yeah.
ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करा जा सकता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल यहां पे भी लग रहा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है बायंसी फोर्स उसी का नाम है। हाँ, हॉट एयर बलून में टेम्परेचर भी बढ़ाते हैं एक्स्ट्रा, उससे क्या होता है जो हल्की गैस है वो ज्यादा एक्सपेंड होती है, तो गैस को कम गैस से ज्यादा वॉल्यूम कवर करने के लिए वहां पे प्रणव टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो वो उससे स्पीड कम ज्यादा हो जाती है, उसका अपना एक टेक्नोलॉजी और है, समझ रहे हो? समझ गए? आगे बढ़े। क्वेश्चन देखो, आइस 14 है ये, क्या क्वेश्चन है? फाइंड द लिफ्टिंग पावर दैट इज पेलोड ऑफ अ 100 liter बलून फिल्ड विद हीलियम एट 730 mm एंड 25 degree centigrade, डेंसिटी ऑफ एयर समझ में आ गया? हाँ जी, पेलोड लिमिटिंग रखना पड़ेगा प्रणव, अगर बहुत ज्यादा रख दिया तो नीचे गिर जाएगा। मान लो ये हमारा ऊपर जा रहा है, इस तरीके का है कोई, या ऐसे बना लो, मान लो जो भी है। अब इसमें अगर ज्यादा सामान रख दिया ना तो mg नीचे आ जाएगा, तो ये गिर जाएगा जमीन में, तो सारा नहीं रख सकते। पेलोड के बराबर रख दिया ना तो ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, फोर्स बैलेंस हो जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी, एक्सेलरेशन नहीं आएगा। तो जिस स्पीड से जा रहा होगा हल्का धक्का दे देना, ऊपर चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, ये होता है सुविधा। ठीक है, तो ये सब चीजें तो बहुत आसान है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एयर रेजिस्टेंस को अगर मानोगे तो रुक तो जाएगा ही अपने आप। क्या आंसर आएगा बताओ, कैसे करोगे, क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का? देखो, 100 liter का बलून है, कितने लीटर का है इसका वॉल्यूम, कितना है 100 liter, और यहां पे रो हीलियम नहीं पता है, निकाल लेंगे कोई बात नहीं,
109.2 ग्राम। हाँ आंसर तुम्हारा सही आया है। सॉल्व किया था तुमने प्राची? सुनो सुनो इधर, मान लिया इसके अंदर एम डैश पेलोड रख सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? अगर रो हीलियम पता है तो हम सॉल्व कर सकते हैं आगे। रो एयर कितना है? ठीक है, तो देखना सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ बलून इनटू रो एयर इज इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ बलून इनटू रो हीलियम प्लस, अब क्वेश्चन जब तुमने पढ़ा है तो उसमें देखो मटेरियल ऑफ बलून के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, इसके मतलब जो बलून का मटेरियल है उसको जीरो मान लिया है, उसका नेगलिफाई कर दिया उसको, और यहाँ आएगा एम डैश। ओके कोई बात नहीं, वी 100 लीटर है, रो एयर कितना है 1.25 ग्राम पर लीटर, वी 100 लीटर है, रो क्या होता है पीएम अपॉन आरटी होता है कि नहीं, ये कितना आ जाएगा 125, और यहां कितना आएगा प्रेशर कितना दिया है 730 mm, 730 mm को 760 mm से डिवाइड करो तो atm में होगा। मोलर मास कितना होता है हीलियम का 4, r की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर कितना दिया था बच्चों 298 केल्विन। इसको सॉल्व करो, बताओ आंसर क्या आएगा? ये पीएम बाय आरटी है, प्रेशर इनटू मोलर मास अपॉन आर इनटू टी। बोलो, तो यहां से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 15.7 ग्राम्स में। तो आएगा 109.3 ऐसा कुछ। समझ में आ गया हो तो इसको जो है नोट करें, आगे बढ़े। आर की वैल्यू, ये वाली वैल्यू कब लेनी है यही पूछ रहे हो ना प्रणव? सुनो, ये वैल्यू तब लेनी है जब वॉल्यूम लीटर में दिया हो, टेम्परेचर केल्विन में तो होता ही है, और प्रेशर किस में दिया हो एटीएम में।
ऐसी कंडीशन में हम ये वैल्यू यूज कर सकते हैं। सो अगर तुम प्रेशर को एटीएम में बना सकते हो, वॉल्यूम लीटर में ले सकते हो, देन यू हैव टू यूज वैल्यू ऑफ आर 0.0821। ओके, एमएम से हम चेंज कर सकते हैं ना, 760 एमएम होता है 1 एटीएम, तो 1 एमएम कितना होगा 1/760 एटीएम। मतलब जब भी एमएम को एटीएम में चेंज करना है तो 760 से डिवाइड कर दो। तो वी कैन चेंज हियर फॉर एमएम, हमारे पास कोई भी आर की वैल्यू नहीं है, तो एमएम से एटीएम में चेंज करना पड़ेगा, देन आर की वैल्यू है। इसको नोट करें जल्दी जल्दी, फाइनल आंसर तक जाना है सबको। ये फाइनल आंसर है। हो गया सबसे। अच्छा ये बताओ, क्या इफ्यूजन डिफ्यूजन हुआ है? इफ्यूजन डिफ्यूजन, डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन हुआ है ना? नो सर। अच्छा नहीं हुआ है, ओके ठीक है, उसको पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से देखना। डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, सबसे पहले लिखेंगे डिफ्यूजन क्या होता है। तो डिफ्यूजन बहुत ही सिंपल चीज है। अच्छा बताओ, अगर मैं यहां पे एक परफ्यूम की बोतल खोलता हूं,
ये परफ्यूम बॉटल है मान लो, तो क्या होगा, ये रूम है, ये परफ्यूम की जो स्मेल है सब कहीं फैल जाएगी कि नहीं फैल जाएगी, स्प्रेड होगी? यस सर। तो ये जो फेनोमेना है इसी को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। मान लो अच्छा ये परफ्यूम पहले से था इसमें, ये परफ्यूम पहले से था इधर से दूसरी बोतल खोली, क्या उसकी स्मेल फैलेगी कि नहीं, अभी स्मेल स्प्रेड होगी, उसकी भी स्प्रेड होगी ना? यस सर, ये भी स्प्रेड होगी। तो ये सिंपल गैस की प्रॉपर्टी है कि गैस जितना भी उसको स्पेस मिलता है उसमें फैलना चाहती है, ठीक है? तो क्या लिखेंगे, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एनी गैस टू स्प्रेड थ्रू आउट द स्पेस अवेलेबल फॉर इट। ये है डिफ्यूजन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिफ्यूजन बोलते हैं। देखो इधर सुनो ध्यान से, ये एक बॉक्स था, इसमें ये मॉलिक्यूल्स थे, इसका प्रेशर था पी, ध्यान से देखना, इधर दूसरे मॉलिक्यूल थे, इनका प्रेशर था पी, ये पार्टीशन था, ये क्या था, पार्टीशन रिमूव कर दिया हमने क्या कर दिया, पार्टीशन हटा दिया। बोलो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, मिक्स हो जाएंगे ना? यस सर, मतलब रेड वाले भी हर जगह पे होंगे, ठीक है, और ब्लू वाले भी हर जगह पे होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। तो ये आपस में क्या होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं। ये हमारा क्या है, डिफ्यूजन है। चाहे एक ही कलर के होंगे तभी तो मिक्स होंगे ना, अगर एक भी एक ही गैस है तो क्या मिक्स नहीं होगी, फिर भी होगी, होगी कि नहीं? तो लिखेंगे इट इज द स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बाय continuous collisions between the gas molecules, ये same diffusion में लिखना है, okay? सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Note करें, सर नीचे स्क्रॉल कर दो। ओके, सबका नोट हो रहा है? हो गया, लास्ट लाइन दिख नहीं रही है? नहीं नहीं बच रही है, रुको बस थोड़ा। अच्छा, धीरे धीरे आ रहा है, लैग हो रहा है,
नहीं सर, लैग नहीं हो रहा है। अच्छा मेरा बहुत ही खराब था आज, इतनी क्लास हो गई बहुत बड़ी बात है। हो गया सबका नोट? यस सर हो गया। ओके अब आगे बढ़ते हैं। मान लो यहाँ पे कोई कंटेनर है, इसमें ये लगा हुआ है, लिड लगी हुई है, लिड, इसमें गैस है, इस लिड को मैंने हटा दिया, बोलो क्या होगा, जल्दी बताओ। गैस सराउंडिंग है ना, कुछ एयर तो आएगी अंदर, कुछ एयर भी आएगी, मतलब ये कॉन्टिन्यूस क्या होती है, मिक्स होती है कि नहीं होती है, ये फेनोमेना क्या हो रहा है, डिफ्यूजन का हो रहा है, क्या हो रहा है, डिफ्यूजन। अब लिखो इफ्यूजन, व्हेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन अ गैस, हाँ इक्विलिब्रियम आ जाएगा प्रथम, यस, when a gas passes through a small hole, जिसको क्या बोलते हैं, orifice, क्या बोलते हैं, orifice, from high concentration to low concentration, from high concentration to low concentration, then this process is called effusion. देखो इधर सुनो, ये बाहर एटीएम प्रेशर वन है, इसमें है हाइड्रोजन गैस, इसका प्रेशर है दो एटीएम या एक ही एटीएम है, मान लो कुछ भी है, बाहर तो एयर होगी ना। अच्छा बताओ हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कंटेनर में ज्यादा है कि बाहर? कंटेनर में ज्यादा है। अब तुमने इसमें होल कर दिया, एक छोटा सा होल कर दिया, तो गैस बाहर निकलेगी कि नहीं? हाँ, जब ये बाहर निकलेगी इसको क्या बोलेंगे, इफ्यूजन, क्या बोलेंगे इसको, अब डिफ्यूजन नहीं बोलेंगे इसको, अब क्या बोलेंगे, इफ्यूजन। और ये छोटे से होल को क्या बोलते हैं, ठीक है, तो इफ्यूजन में क्या होता है, कंसंट्रेशन में डिफरेंस होना चाहिए। तुम वैक्यूम में भी करा सकते हो, यहाँ वैक्यूम कर दिया और इसमें गैस ले ली, तो जैसे ही होल करोगे वैसे बहुत तेजी के साथ गैस बाहर निकलेगी, इसको क्या बोलेंगे, फ्यूजन। इसको नोट करें जल्दी जल्दी। सबने नोट कर लिया?
एक सेकंड सर. सबको समझ में आ गया? यस आर्यन वेरी गुड. प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये होता है, एकदम से गैस जो है बाहर निकल जाती है. अब हमें पता चलेगा वो स्मॉल होल है कि नहीं. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रखनी है याद, इम्पॉर्टेंट. इफ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, थ्योरेटिकल बता रहा हूं, थ्योरेटिकली इफ देयर इज कंफ्यूजन बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, then if the diameter of hole is smaller than mean free path of the gas, mean free path of the gas molecules, then it is effusion. इफ्यूजन कैसे लिखा गया? एंड इफ इट इज मोर देन मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ को लैम्डा से लिखते हैं, देन इट इज डिफ्यूजन. अब तुम पूछोगे सर मीन फ्री पाथ क्या होता है, है ना सर? वो लीड जो आपने खोली थी वो? नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ मेन फ्री पाथ क्या होता है, मैं बताता हूँ. अच्छा तो गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलो, कोलाइड करते हैं? यस सर. जैसे इसने कोलाइजन इसके साथ किया तो इसको बोलते हैं लैम्डा वन, या डिस्टेंस वन मान सकते हैं इसको, डी वन, इसको मान सकते हैं डी वन. अच्छा ये इससे कोलाइड करने के बाद में, यहाँ पे कोलाइड करने के लिए क्या करेगा, कितनी डिस्टेंस चलेगा? D1, तभी जाके कोलाइड करेगा. मान लो ये कंटिन्यूस मूव कर रहे हैं, फिर जो अगला कोलिजन है उसको करने में मान लो ये D2 डिस्टेंस चल रहा है, ये मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, ठीक है, ये यहाँ आया फिर यहाँ गया, ऐसे कोलाइड कर रहा है. तो कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं? फ्री पाथ. लिख देता हूँ, the distance traveled by gas molecule between two consecutive लगातार, consecutive मतलब continuous, एक के बाद एक
collisions is called free path. क्या बोलते हैं इसको? Free path. If there are n molecules in the sample, then mean free path. कैसे कितना होगा बताओ? Mean free path कितना होगा बोलो? नहीं बता पाओगे? एवरेज होगा. कितना होगा? समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट है मीन प्री पाथ में? ओके सर, ऊपर से कहां से लिखना है? इफ्यूजन जैसे इफ्यूजन हो गया था ना, थोड़ा नीचे समझ में आता है? नीचे हाँ सुनो, कहाँ तक हो गया है? सर फ्री पाथ बाकी है. जी जी लिखिए. Thank you.
आगे बढ़ूं? ओके वेरी गुड, सबको समझ में आ चुका है। अब वापस आते हैं उस पे। अब समझ में आ गया? किसने क्वेश्चन पूछा था डिफ्यूजन इफ्यूजन में डाउट के लिए? अब समझ में आया? बोलो। हाँ क्या क्लियर नहीं आ रही है तुम्हारी आवाज? हेलो, कुछ देखना है क्या? ऊपर कमेंट बॉक्स में बताओ। डिफ्यूजन है सर। सॉरी मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, आप बोलो या कमेंट में बॉक्स में लिखो। कोई और दूसरा बताओ क्या बोल रहे हो, किसी को सुनाई दे रहा है? नो सर। तुम्हारे भी ब्रेक करके आ रही थी, तुम्हारी आवाज तो साफ आ रही है मुझे। आर्यन, तो कितने लोग को समझ में आ गया डिफ्यूजन इफ्यूजन में क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस तो है कंफ्यूजन है इन दोनों में। अरे यार कहाँ कंफ्यूजन है, सुनो तुमने इसको खोला क्या होगा डिफ्यूजन, तुमने छेद किया क्या होगा इफ्यूजन, इतना याद रखो। कितने लोग को कंफ्यूजन है, इसलिए मैं ये नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत है नहीं आगे जब क्वेश्चन करोगे, ये कुछ भी जरूरत नहीं, ये सब बहुत थ्योरेटिकल है। सुनो किसी ने बोला इसको खोला तो क्या होगा डिफ्यूजन, किसी ने बोला छेद कर दिया तो क्या होगा इफ्यूजन, इतना याद रखो बस, इतना नहीं याद रख पाओगे। एनी डाउट? छेद छोटा ही होगा ना, अगर वो डिफ्यूजन से भी बड़ा हुआ तो फिर वो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला दोनों का सेम है। देखो दोनों के लिए फॉर्मूले सेम है ना, तो दिक्कत क्या है तुमको, अभी पढ़ा नहीं ना? इफ्यूजन हो या डिफ्यूजन सबके लिए फॉर्मूला क्या है? अब नापने तो नहीं जाओगे तुम कि कितना बड़ा छेद है क्या है क्या नहीं है, बोल के साइज का ही डिफरेंस होता है बस। ओके सर, सर वो ही डाउट था कि अगर इफ्यूजन का जो होल है वो बड़ा हुआ डिफ्यूजन से ऐसे कुछ हुआ तो मतलब नहीं, मीन फ्री पार्ट से आता है ना, गैस जो है ना गैस, हाँ? गैस इसका लैम्डा पता है? हाँ सर। अगर लैम्डा से छोटा है तो इफ्यूजन होगा, नहीं तो डिफ्यूजन मतलब। हाँ सर, यही तो लिखा है अभी, तो लिखा सबने। अब किसी को डाउट है इसमें? सर वो फ्री पाथ से मतलब छोटा ही होगा ना। देखो आर्यन, डिफ्यूजन हमेशा होता है, सुनो, और जब इफ्यूजन होगा तो उसको स्पेसिफिक नाम दिया जाएगा, अम्ब्रेला है। जैसे किसी ने बोला ना कि भाई ये पर्टिकुलर फेनोमेना है तो डिफ्यूजन, उसमें एक पर्टिकुलर कंडीशन आ जाती है तो स्पेशल बन जाता है, वो स्पेशल टाइप की एक चीज है, समझ रहे हो? तो ये बोला वही जाएगा लेकिन स्पेशल है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमेशा शॉपिंग करते रहते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होती, एक ऐसे ही बेकार का एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन सेल चलती है तो एक स्पेशल उसके अंदर आ जाता है। ऐसे डिफ्यूजन हमेशा होता है, लेकिन जैसे ही छोटा छेद हुआ लैम्डा से उसको बोल देते हैं इफ्यूजन। और कंडीशन क्या लगाते हैं, अंदर जो है कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, बाहर कंसंट्रेशन कम होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है देखो, व्हेन अ गैस पासेस थ्रू अ स्मॉल होल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, कंडीशन समझ में आ रही कि नहीं आ रहे तुम्हें? अभी फॉर्मूला पढ़ाऊंगा। प्रथम तुमको भी समझ में आ गया ये चीज, इसमें स्पेसिफिक है ना, डिफ्यूजन में ये कहां होता है, समझ में आया? तो कंफ्यूज नहीं हो, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है, कुछ कंफ्यूजन नहीं होना है, जितना याद है उतना याद रखो बस, जितना समझ में आया ना उतना काफी है तुमको। ऐसे सुनो कि जब गैस आपस में इंटरमिक्स होती है आगे बढ़ती है इसको बोलते हैं डिफ्यूजन, और जब छोटे छेद से बाहर निकलती है इसको बोलते हैं इफ्यूजन, इतना याद रखना है बस, बाकी भूल जाओ।
कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं बोलता हूं। कितने लोग एग्री करते हैं कि प्रॉब्लम नहीं होगा? ओके, मैं गारंटी लेता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके ठीक है फिर, थैंक यू। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन देखो क्या बोलता है। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, नहीं प्रणव, डिफ्यूजन तो तब होता है ना जैसे हमने एयर में ज्यादा है। हाँ कोई बात नहीं, इंटर कर जाए, मान लो एयर में से नीचे आ रही है, इसको भी डिफ्यूजन बोलो, क्या दिक्कत है? अगर छेद बड़ा है तो डिफ्यूजन ही बोलेंगे, नो प्रॉब्लम। इफ्यूजन होने के लिए बिल्कुल गारंटी की बात है, छोटा होना चाहिए लैम्डा, लैम्डा से छोटा होना चाहिए डायमीटर। अब सुनो, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए क्या है सेम। एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ द गैस। ये स्टेटमेंट पढ़ो, समझ में आ रहा है सबको? स्टेटमेंट समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ जल्दी से। बोलो, सर मोलर क्या? मोलर मास। ओके सर, मास नहीं लिखा है, मतलब आर को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन। आर क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? वॉल्यूम डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम, या क्या लिख सकते हैं, मोल्स डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम। ये इतना अभी याद रखो। रेट का मतलब क्या होता है बोलो? रेट का मतलब क्या होता है? चेंज विद टाइम, इन जनरल यही होता है ना रेट। कोई बोलता है केमिस्ट्री या फिजिक्स के अंदर जब रेट की बात होती है, मतलब टाइम के साथ कंसंट्रेशन या पर्टिकुलर चीज किस तरीके से चेंज हो रही है। तो यहां पे रेट का मतलब क्या है? वॉल्यूम डिफ्यूज्ड पर टाइम, या ऐसे बोल सकते हैं मोल्स डिफ्यूज्ड गिवन टाइम में। तो आर जो है ये किसका लॉ है बताओ? ग्राहम्स लॉ। कब ये वैलिड होता है? इसको नोट करें, ये नोट हो गया है क्या? आगे बढ़ सकता हूं? यस यस। वॉल्यूम तो प्रणव रेट के अंदर आ गया ना, वो कहां कांस्टेंट है, वो तो रेट में कैरी कर गया ना भाई। मोलर मास अलग अलग होगा। प्रणव ये बताओ, हल्की गैस, एक तुम्हारे पास लाइट गैस है, एक हैवी गैस है, कौन सी वाली गैस ज्यादा डिफ्यूज होगी? जल्दी से बताओ प्रणव। लाइट गैस ज्यादा डिफ्यूज होगी। यस वेरी गुड। तो उसके मोल्स ज्यादा डिफ्यूज होंगे, उसका वॉल्यूम ज्यादा डिफ्यूज होगा, अगर सारी कंडीशन बाकी सेम है। जो हल्की गैस, हैवी गैस धीमे धीमे चलेगी, समझ रहे हो ना, हल्की चीजें तेज भागती हैं और जो भारी चीजें होती है वो स्लो चलती हैं, अगर बाकी चीजें कांस्टेंट हैं।
सर वो स्क्वायर रूट है। हाँ स्क्वायर रूट है। सुनो जहां तक मेरा सवाल है तो मुझे लगता है ये पर्टिकुलर थिंग सबको समझ में आई है। ओके दीपेंद्र क्या हुआ सर क्वेश्चन क्या है? मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ ये समझ में आ गया ग्राहम्स लॉ क्या है। रेट जो है वो मोलर मास के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट के। तो अगर दो गैस आर वन अपॉन आर टू क्या हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा जल्दी बताएं। yes, और ये एम टू अपॉन एम वन हो जाएगा। yes, बताओ ये फ्यूजन के लिए फॉर्मूला है कि डिफ्यूजन के लिए? बोलो दोनों के लिए सर। दोनों के लिए है ना? दोनों के लिए बोल रहा था मैं। सिर्फ थ्योरेटिकली अलग है, न्यूमेरिकली दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही है। क्वेश्चन देखो जी बोलिए कैसे करेंगे। आंसर बताओ Thank you.
ओके अच्छा देखें आंसर्स की अगर मैचिंग करी जाए तो 2 ml/s बोल रहे हो, मतलब यस वॉल्यूम गिवन है 10 ml गया है, रेट रहेगा 2 ml/s, वेरी गुड, आगे सॉल्व करो, आंसर तो बताओ भाई, ये तो सिर्फ स्टार्टिंग हुआ है, आई वांट द आंसर फ्रॉम यू। नेक्स्ट देखें, चलो मैं स्टार्ट कराता हूं तुम लोग का। अगर ऑक्सीजन की बात करी जाए ना, सुनो ज्यादा ब्राइटनेस, सुनो RO2/RH2 कितना आएगा बताओ फॉर्मूले में, MH2/MO है, यहां तक समझ आ रहा है, बोले RO2 क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टाइम, कितना टाइम लगता है 5 सेकेंड, RH2 वॉल्यूम तो निकालना ही है, कितना टाइम दिया है 5 सेकेंड, MH2 कितना है 2, MO2 कितना है 32, यहाँ से कितना आएगा 1/16, ये 2 आएगा और ऊपर 5 जाएगा VH2, और यहाँ पे कितना आएगा √16, VH2 कितना आया 10 × 4 40 ml, कितना आया 40 ml, कितने टाइम्स आया 4 times, बिकॉज जो ऑक्सीजन है उसका मोलर मास हाइड्रोजन से 4 times ज्यादा है, क्या नहीं 60 times ज्यादा है, उसका स्क्वायर रूट जो है उतने टाइम्स रेट ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई 40 ml। डाउट है इसमें, बोलो जल्दी जल्दी बोला करो, एनी डाउट्स, फटाफट लिखो, बोलो बोलो। नहीं सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही थी, अब दिख रही है। Thank you.
किसी को इसमें डाउट आ रहा है? सबने नोट कर लिया? ओके तो लास्ट क्लास में होमवर्क क्या था बोलो मुझे, जल्दी जल्दी बताइए। सर हाँ, गैसीय स्टेट असाइनमेंट वन लेवल वन था। गैसीय असाइनमेंट वन, असाइनमेंट टू नहीं दिया क्या अभी? नहीं सर। ओके ठीक है, तो मैं ग्रुप पे डालता हूँ असाइनमेंट, उसको कर लेना ठीक है। जिसका जिसका नोट हो गया है वो लीव कर सकता है, क्लास कंटिन्यू करेंगे। सर क्लास खत्म हो गया? हाँ, कितने बजे तक है? सर आपने होमवर्क क्या बताया? होमवर्क ग्रुप पे डालूंगा, मुझे देखना है क्या देना है। ओके सर। हेलो बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर।